आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी ग्रामर। तो ग्रामर में आज मैं आपको सिखाऊंगी कंपाउंड वर्ड्स। ये बहुत सिंपल है कंपाउंड वर्ड्स, अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे ना तो जब भी आप कुछ वर्ड्स बोले करेंगे तब खुद भी है ना उसमें सोचेंगे कि ये कौन सा वर्ड होगा। तो जब भी मैं हमेशा यही बोल रही हूँ कि जब भी मैं ग्रामर आपको सिखा रही हूँ ना तो मैं यही बोलती हूँ कि जब भी आपको जो लेसन समझ में आ जाए ग्रामर का तो उसको ना पीछे रिवाइज करते रहिए। जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जब भी आपके दिमाग में जो लेसन आपको अच्छे से आ गया है ना, तो आप उसको क्या करें ना उससे रिलेटेड जो भी वो टॉपिक है तो सर्च करते रहें कि मेरा करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि ये क्या ग्रामर कैसा है ना, ये जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी के लेसन्स में कैसा है कि आपने आंसर्स मगअप कर लिए, याद कर लिए और आप लिख के आगे हो गया। लेकिन ग्रामर कैसा है ना, हर स्टैंडर्ड में आपको है ना धीरे धीरे टफ होता जाएगा। ऐसे तो सारे लेसन धीरे धीरे आपको टफ ही होंगे, सब्जेक्ट्स टफ ही होंगे, लेकिन ग्रामर कैसा है ना, आप पहले से थोड़ा सीखते सीखते जाएंगे ना और खुद प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे जाके है ना आपको वो हार्ड नहीं होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको ना वर्ड्स प्रैक्टिस करते रहिए, तो देखो जैसे अभी है कंपाउंड वर्ड्स, तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं कि थ्री टाइप्स के कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। कितने? थ्री टाइप्स के। अगर आपसे कोई पूछे कि कंपाउंड वर्ड्स के बारे में आप कुछ जानते हैं तो यस, कंपाउंड वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? ओपन कंपाउंड, क्लोज कंपाउंड एंड हाइफनेटेड कंपाउंड, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन वही है ना कि अगर आप जिस चीज़ की नॉलेज लेंगे तो वो चीज़ ईजी है और जिस चीज़ की नहीं लेंगे वो चीज़ हार्ड है। तो ग्रामर में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पहले व्हाट इज ओपन कंपाउंड। अ वर्ड मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स सेपरेटेड बाय अ स्पेस। देखो कोई भी दो वर्ड्स होंगे, ठीक है, उनको बोल हम साथ में रहे हैं लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम बीच में स्पेस देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बस, ठीक है। देखो स्कूल बोलेंगे तो सिर्फ स्कूल हो गया, जहाँ हम जाते हैं पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सिर्फ स्कूल हो गया। अगर मैंने बोला स्कूल तो आपके दिमाग में एक इमेजिन हो जाएगा आपका स्कूल या आपके फ्रेंड का स्कूल या आपको जो स्कूल पसंद है, स्कूल बोले तो आपके दिमाग में एक स्कूल की एक इमेज आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने बोला स्कूल बस तो आपके दिमाग में स्कूल बस की इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो जो दो वर्ड एक साथ बोले जाते हैं और लिखते में उसके बीच में हम स्पेस देते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे स्कूल बस, ठीक है, तो बीच में हमने कैसे लिखा स्कूल बस, स्पेस देके लिखा, तो वो उसको हम बोलेंगे ओपन कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ओपन कंपाउंड। अब जैसे आइसक्रीम, हम सब आइसक्रीम खाते हैं, छोटे हो बड़े हो आइसक्रीम सबको पसंद है, ठीक है। आइसक्रीम, तो अगर मैं सिर्फ आइस बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि फ्रीजर के अंदर है ना आइस पड़ी है, मम्मी नहीं देती, नहीं तो हम लोग खेलने लग जाएं, ठीक है ना। या ठंडा ठंडा पानी पीते हैं ना, रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाते हैं या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी, तो उसमें ऐसा लगता है कि हम आइस डालें। आइस बोलेंगे तो आपको आइस क्यूब्स याद आने लगेगी, या जो भी शेप कंटेनर में आप बोलते हैं ना फ्रीज करोगे वाटर को, वो आपकी इमेजिन हो जाएगी आपको आइस की, है ना। और लेकिन मैं अगर आइसक्रीम बोलूँ तो आपके दिमाग में आइसक्रीम आ जाएगी, जो हम आइसक्रीम्स खाते हैं। यानी दो वर्ड्स हैं, आइस वन वर्ड एंड सेकेंड क्रीम, है ना। तो ये दो वर्ड्स इनको हमने कैसे लिखा है, बीच में स्पेस देखी। तो जब भी कोई दो वर्ड्स हम लिखेंगे और बोल एक साथ रहे हैं, ठीक है ना, उनका मीनिंग एक है, तो उसका हम क्या करेंगे, जब लिखेंगे स्पेस डालेंगे तो उसको बोलेंगे ओपन कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा? ओपन कंपाउंड। अब जैसे लिविंग रूम है, जैसे हम बोलते हैं ना बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, तो सिंगल वर्ड आ गया तो किचन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। टॉयलेट अलग हो गया, बाथरूम, ये भी देखो बाथरूम, यानी दो साथ में आ गया। हम बाथ बोलेंगे तो हमें नहाने का याद आएगा, रूम बोलेंगे तो एक सिंगल वर्ड हो गया, वो कोई भी रहेगा। तो मैं बोल रही हूँ बाथरूम, लिविंग रूम, बेडरूम, तो आपको दिमाग में आ जाएगा हाँ लिविंग रूम में हमारी ये पड़ा है, बेडरूम में हमारी ये पड़ा है ना। बाथरूम में हम मॉर्निंग में बोलते ना फ्रेश होने जाते हैं, नहाने जाते हैं, या जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तब हम जाते हैं। यानी जो दो वर्ड्स हैं स्पेस डाल के लिखेंगे, है ना, और उसके मीनिंग एक ही है कि मैंने बाथरूम बोला तो बाथरूम भी दिमाग में, लिविंग रूम बोला तो आपके अपने रूम की इमेजिन, हाँ मेरे लिविंग रूम में ये सोफा पड़ा है, ये टीवी पड़ा है, या मेरा ये टॉय पड़ा है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम ओपन कंपाउंड। ये बहुत सिंपल है। अब सेकेंड चलेंगे क्लोज कंपाउंड। अ वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड एंड कंटेन्स नो स्पेस और हाइफन्स। एग्जाम्पल फुटबॉल, बर्थडे एंड द ब्लैक बोर्ड। अब देखो सेम टू वर्ड्स का ही रहेगा या मोर देन टू वर्ड्स भी होगा, टू वर्ड्स का ही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने बोला कि फुटबॉल, तो फुटबॉल बोलेंगे तो आपको एक बॉल नजर आ गई, ठीक है, फुटबॉल की बॉल नजर आ गई, तो फुटबॉल अलग हो गया और बॉल अलग। अगर मैं बॉल बोलूँ तो आप कोई भी इमेजिन कर लेंगे बॉल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फुटबॉल तो आपको फुटबॉल ही नजर आएगी। तो लेकिन फुटबॉल जब हम लिखेंगे दोनों वर्ड फुट और बॉल तो हम स्पेस नहीं देंगे, जब हम स्पेस नहीं देंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लोज कंपाउंड। क्या बोलेंगे उसको? क्लोज कंपाउंड। ऐसे बर्थडे, अब बर्थ बोले तो बर्थ हुआ, जन्म जिसका बोलते हैं, ठीक है। डे बोले तो कोई भी डे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या हॉलीडे, ठीक है ना, डे अलग हो गया डे। लेकिन अगर हम बर्थ और प्लस डे कर रहे हैं, है ना, बर्थडे साथ में बोलते हैं, है ना, और उसमें स्पेस नहीं देते कभी भी, है ना, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड कंपाउंड,
ठीक है, सेम ऐसे हम स्कूल जाते हैं ना, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, हम बोलते हैं ना व्हाइट बोर्ड। तो देखो ब्लैक अलग कलर हो गया, ब्लैक बोलूंगी तो आपके दिमाग में आएगा यस ब्लैक बोले तो ब्लैक कलर हो गया, या ब्लैक कलर की कोई थिंग होगी वो हो गया, ठीक है, या व्हाइट व्हाइट बोले तो वापस सेम कलर ग्रीन कलर आ गया। लेकिन ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, तो जब भी हम इसे बोलते हैं तो हमें याद आ जाता है हमारे क्लास में या हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे को दिया हुआ है ताकि हम प्रैक्टिस करते रहे उसमें, ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ये जब भी लिखा होगा कहीं भी देखोगे अगर आपको पता भी होगा तो ये कभी भी है ना दो स्पेस नहीं होती इनके बीच में, ब्लैक और बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के बीच में है ना स्पेस नहीं होगी, वो साथ में लिखा जाएगा। जब साथ में लिखा जाएगा तब उसको बोलेंगे क्लोज्ड कंपाउंड, ठीक है। और एक इसमें देखो एक इसकी ना डेफिनेशन में है लास्ट में आपने देखो, एंड कंटेन्स नो स्पेस और हाइफेंस। सी देखो स्पेस का तो मैंने आपको बता दिया, अब हाइफेंस क्या है, आप पहले हाइफेनेटेड कंपाउंड पढ़ोगे ना तब आपको हाइफेंस पता चल जाएगा। अब हाइफेनेटेड कंपाउंड क्या होता है, अ कंपाउंड वर्ड कंबाइंड यूजिंग हाइफेंस, एग्जाम्पल गेट टूगेदर, हाफ बेट, ब्रॉड माइंडेड, यानी ये भी दो ही वर्ड होंगे लेकिन इसमें क्या होगा स्पेस नहीं होगी, साथ में नहीं लिखे होंगे, बीच में है ना डैश होगा, डैश, ठीक है। अब वो जो डैश होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइफेंस, ठीक है। ये देखो अ हाइफेंस ब्रैकेट में मैंने आपको शो किया, ये डैश, ये आप डैश देख रहे हो, डैश इसको बोलते हैं हाइफेन। इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू जॉइन द सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड, अ हाइफेन इज अ जॉइनर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया हाइफेन किसको बोल रहे हैं, ये जो डैश है ना आप इसको डैश नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है, कि बीच में एक लाइन मार दिया तो हम नॉर्मली एक लाइन आती है तो हम डैश वर्ड यूज करते हैं, नहीं इसको हम हाइफेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफेन। और हाइफेन क्या है, ये पंक्चुएशन मार्क है। पंक्चुएशन मार्क अगर आपको पता होगा, इसके पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी लेकिन तो भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ। जैसे हाइफेन एक पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है, ऐसे आपने देखा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं तो वो भी क्या है पंक्चुएशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क सबको पता है क्योंकि बहुत सिंपल आता है तो बच्चे उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे पहचान जाते हैं। डॉट ऑफ लाइन आया, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर पाऊंगी तो एक बार मैं देखती हूँ, यस ये देखो, ये जो है ना ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, ये वाला जो है ये क्या हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया। तो ये सब क्या हो गया ना पंक्चुएशन हो गए, पंक्चुएशन मार्क हो गए। तो हाइफेन जो है ना आपका, ये हाइफेन आप इसे डैश नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हाइफेन। ये हाइफेन कहाँ यूज होगा, हाइफेनेटेड कंपाउंड में, ठीक है। तो गेट टुगेदर, हम मिलते हैं ना एक दूसरे से, ठीक है, गेट टुगेदर करेंगे, पार्टीज करेंगे तो हम बोलते हैं ना कि गेट टुगेदर होना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है, तो उसको गेट, ठीक है, हाइफेनेटेड का डालेंगे पंक्चुएशन मार्क, हाइफेन डालेंगे टुगेदर लिखेंगे, ठीक है, गेट टुगेदर, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे हाफ बेट, हाफ बोले तो हाफ अलग हो गया, बेट बोले तो बेट अलग, लेकिन दोनों को हाफ बेट, जैसे हम कोई समझो कुकीज बना रहे हैं तो हम बोलते हैं ना कितनी देर लगेगी, तो हम बोलते हैं ना कि हाँ हाफ बेट, अभी हाफ ही बना है पूरा बेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो हाफ बेट। फिर क्या हो गया ब्रॉड माइंडेड, बोलते ना यार वो तो बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है, तो ब्रॉड एक अलग हो गया, माइंडेड एक अलग हो गया, लेकिन दोनों को साथ में बोल रहे हैं ब्रॉड माइंडेड, यानी हम उसके बारे में बता रहे हैं वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ऐसा हम बात करते हैं ना। तो ब्रॉड माइंडेड जब हम लिखेंगे दो वर्ड्स तो बीच में हम जो ये हाइफेन डालेंगे ना तो उसको बोलेंगे हाइफेनेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे, हाइफेनेटेड कंपाउंड। हाइफेन की स्पेलिंग याद रखेंगे, यहाँ पर ये एच वाई पी एच ई एन हाइफेन है ना, ए टी ए डी, तो उससे ना डरना नहीं है, क्यों ये तो बहुत हार्ड स्पेलिंग है, हमें कैसे याद होगी, धीरे धीरे करेंगे बेटा तो सब याद हो जाएगा। टॉपर बनना है तो सब चीज पढ़नी है, और किसी चीज को जब भी आप पढ़ो ना तो दिमाग से ये बात निकाल दो कि ये हार्ड है। अगर आपने वही सोच लिया ना ये चीज हार्ड है तो आप समझ लेना कि आपको कुछ भी नहीं याद होगा, क्योंकि आप नर्सरी से एक एग्जांपल देखो, नर्सरी में भी देखो स्टार्टिंग से टॉपर में से, किसी किसी को नर्सरी में देखो नहीं नहीं टीचर ये छोटा है ना आगे जाके कर लेगा, आगे जाके क्या करेगा, आपके एज से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं दिए जाते हैं, आपकी एज के हिसाब से बोलते ना लेसन हार्ड नहीं बनाए जाते हैं, जो लेसन बनते हैं वो आपके एज के हिसाब से बनते हैं, हो सकता है 19-20 हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लास्ट के सेमेस्टर तक जाके है ना आप पीछे का फर्स्ट यूनिट का पढ़ाई पढ़ना शुरू कर रहे हो। जब फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ रहे हो ना वो फर्स्ट यूनिट तक आपने सीख लेना चाहिए, चाहे वो एग्जाम की बोलते ना लास्ट में भाग भाग के आप पढ़ाई प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप करो। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कैसा है ना कि जब भी आप कोई चीज पढ़ो अपने माइंड को ना फुल उधर कॉन्सेंट्रेट करो, आप जब फुल कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो आपको कोई चीज हार्ड नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस ये हाइफेनेटेड कंपाउंड से ना आप ऐसे नहीं सोचेंगे नहीं इसकी ना स्पेलिंग बहुत हार्ड है, सिर्फ इसलिए मैंने इतना लंबा आपको लेक्चर दे दिया। कंपाउंड वर्ड्स अब सिंपल हो गया, ओपन कंपाउंड, क्लोज कंपाउंड एंड हाइफेनेटेड कंपाउंड। और ये जो हाइफेनेटेड कंपाउंड है इसमें जो ये इसको डैश नहीं बोलेंगे, इसको हाइफेन बोलेंगे। अगर आपसे पूछे कि हाइफेन क्या होता है तब बोलेंगे ये पंक्चुएशन मार्क होता है। कोई पूछे पंक्चुएशन मार्क के एग्जांपल्स बता दो चलो, तो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ये लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, क्योंकि इससे है ना हम भी मोटिवेट होते हैं कि नहीं हमने अच्छा बनाया, हम बच्चों के लिए और आगे लेके आए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।